तो यार आज इस वीडियो में ना मैं सिंगापुर स्टडी के बारे में बात करूंगा कि सिंगापुर का स्टडी वीज़ा कैसे लें। तो बहुत ही आसान टिप्स हैं और बहुत ही आसान चीज़ें हैं जो आपको करना है स्टूडेंट वीज़ा लेने के लिए सिंगापुर का। और मैं आज हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट FMB यानी फूड एंड बेवरेज के बारे में बात करूंगा। ज़्यादातर लोग जो इंडियन स्टूडेंट होते हैं, इंडियन, जापान, वियतनाम, म्यांमार, श्रीलंकन, वो ज़्यादातर यही चूज करते हैं, इसी लाइन में आते हैं। तो मैं आज इसी टॉपिक पर बात करूँगा, FMB टॉपिक पर, सिंगापुर। और इस वीडियो को आप ज़रा सा भी स्किप ना करें, शुरू से लेकर अंत तक देखें। मैं इस वीडियो में बहुत कुछ बताऊँगा जिससे कि आप बहुत ईजी सिंगापुर का वीज़ा ले सकें। तो और एक आपसे छोटी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, फ्री है, कोई चार्ज नहीं इसका। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी ना तो शेयर ज़रूर कर देना यार, वीडियो को शेयर और लाइक कर देना। तो मैं वीडियो आगे बढ़ाता हूँ, शुरू करते हैं। तो यार ना पहली बात तो मैं आप सभी को बता दूँ कि मैं भी सिंगापुर में, मेरे को 2 साल, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स हो गया है। और सिंगापुर जो है ना एक फेमस कंट्री है, बहुत ही फेमस कंट्री है इन एशिया, यानी जो ये एशिया की कंट्री है, ये एशिया में बहुत सारी कंट्री आती हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारी कंट्री आती हैं एशिया में, बट ये सिंगापुर इज़ वेरी फेमस कंट्री इन द वर्ल्ड। यहाँ का आपका हर चीज़ नंबर 1 नंबर 2 पे मिलेगा, जैसे कि पासपोर्ट, एयरपोर्ट, यहाँ का एनवायरमेंट, लॉ, एवरीथिंग इज यू नो इन द वर्ल्ड नंबर 2, नंबर 1, नंबर 3 लाइक दैट। सो मैं आज बात करूंगा सिंगापुर की स्टडी के बारे में। पहली बात, सिंगापुर एक टूरिज्म कंट्री है, यहाँ पे लोग टूरिस्ट आते हैं, बहुत टूरिस्ट आते हैं पर डे, पर ईयर। मैंने सुना था कि सन 2018 में 1 लाख के ऊपर स्टूडेंट आया था सिंगापुर में, 1 लाख के ऊपर, मैंने सुना था, मुझे कंफर्म नहीं है, मैंने कहीं न्यूज़ पर पढ़ा था कि 1 लाख स्टूडेंट सिंगापुर में आए थे स्टडी करने के लिए फ्रॉम इंडिया से। तो इंडिया में FMB का बहुत ही स्कोप है, बहुत ही क्रेज़ है, ज़्यादातर लोग यहीं करने आते हैं यहाँ पे इंडिया से सिंगापुर में। सिंगापुर में होटल, रेस्टोरेंट, रिजोर्ट, क्लब बहुत हैं, बहुत ज़्यादा, इसीलिए यहाँ पे बहुत लोग बहुत दूर दूर से आते हैं करने, और जिनकी किस्मत अच्छी होती है उनकी लाइफ सेट हो जाती है। मैं आपको सब बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप की, ठीक है। तो पहली बात, सिंगापुर में 2 तरह के कॉलेज हैं, एक प्राइवेट, एक गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कॉलेज में आप एडमिशन नहीं ले सकते क्योंकि वहाँ की फ़ीस बहुत है, अपने इंडिया के मुकाबले 10 लाख के आसपास है, स्टार्टिंग 10 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 11 लाख ऐसे, और वहाँ पर बैंड्स की भी रिक्वायरमेंट है। प्राइवेट कॉलेज में क्या है कि ये प्राइवेट कॉलेज हैं, संस्थाएँ इलाके, जैसे कि UK की ब्रांच है, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, उन सब के यहाँ पे इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, कॉलेजेस खुले हुए हैं, तो आप उनमें एडमिशन लगते सस्ता है। तो मैं बताऊँगा जो इंडिया में बैठे हैं भाई लोग, जिनको लगता है कि यार अब टाइम नहीं है, उम्र नहीं है बाहर जाने की, कुछ नहीं कर सकता मैं, ये है मेरी स्टडी में गैप है, IELTS में बैंड भी कम है और एज भी निकली जा रही है, पैसे भी नहीं है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन उनका सिंगापुर है। सिंगापुर आओ यार, सिंगापुर में क्या है कि आपका कोई गैप नहीं है, मतलब आपका गैप 10 साल का हो, 8 साल का हो, सिंगापुर एक्सेप्ट करता है। बैंड्स नहीं है, सिंगापुर एक्सेप्ट करता है। एज हो गई है, सिंगापुर एक्सेप्ट करता है। यहाँ तक कि आपके पास रुपया नहीं है तब भी सिंगापुर एक्सेप्ट करता है, क्योंकि सिंगापुर की स्टडी सस्ती है और कंट्री के मुकाबले। तो जैसे कि आप FMB में आते हैं तो मोस्टली जो फीस होती है डिफरेंट कॉलेजेस की, जैसे कि 3 लाख, 3 लाख 20 हज़ार, 2 लाख 80 हज़ार, 3.5 लाख, इस तरह की होती है। तो जो कॉलेजेस हैं, मैं बता दूं, जो अपने इंडिया में जो एजेंट बैठे हैं ना, वो एजेंट कहते हैं कि इतना रुपया लगेगा, ऑफर लेटर के इतने हैं, या और ये है, मैं बैंक स्टेटमेंट, तो यार दोस्तों बैंक स्टेटमेंट कुछ भी नहीं है। सिंगापुर आप पढ़ाई करने आइए, बैंक स्टेटमेंट के तो कोई लोड ही नहीं है, और फीस जो है वो आपकी वीज़ा लगने के बाद, बट आपको ऑफ़र लेटर आने के बाद आपको एम्बेसी, यानी कि एम्बेसी फ़ीस देनी पड़ती है, जो $105 या $110 या $107 होती है, डिफरेंट कॉलेज की डिफरेंट फ़ीस होती है।
अपने एजेंट क्या करते हैं कि वो सारा जो है जितना भी पैसा है वो बाद में लेते हैं, या अपना ऑफर लेटर से पहले जो ऑफर लेटर की फीस होती है वो लेते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है यार, स्टेटमेंट आपको नहीं देना, बैंड्स नहीं देना। 15 दिन लगता है वीज़ा आने में भाई, 15 से 20 दिन मान के चलो, ज़्यादा इसमें नहीं है। अगर आपकी फाइल मंडे को लगती है तो सेकेंड वीक के फ्राइडे सैटरडे तक वीज़ा आ जाता है, और इसमें कुछ करना भी नहीं है। आपको अपने बस डॉक्यूमेंट सेंड करना है फर्स्ट, आपका दूसरे तीसरे दिन ऑफ़र लेटर आ जाता है। ऑफ़र लेटर आने के बाद आपको अपनी एप्लीकेशन फ़ीस देनी पड़ती है, एप्लीकेशन फ़ीस वो कंपलसरी है, वो देना पड़ेगा। चाहे आप इंडिया से बैठ कर दो, चाहे सिंगापुर से बैठ कर दो, आप जिससे भी बात करो यार, इंडिया में जाओ, गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो कि इंडियन स्टूडेंट लाइक सिंगापुर, तो उससे बहुत सारे लड़के आएंगे, उससे सबसे पूछना, वो सब बताएंगे आपको कि हाँ एप्लीकेशन फ़ीस देनी पड़ती है। तो इसका बेनिफिट क्या है FMB का, अगर आप FMB लाइन में आते हैं तो 6 मंथ की आपकी स्टडी होती है, 6 महीने की स्टडी होती है। आप 6 महीने कॉलेज जाओगे, हफ्ते में 5 दिन, छुट्टियां भी होती हैं काफ़ी, हर एग्ज़ाम हर मॉड्यूल की वो छुट्टी होती है। जैसे अभी छुट्टी मेरी ख़त्म हुई है 20 दिन की, चाइनीज न्यू ईयर था, छुट्टी ख़त्म हुई है, तो बस अब मेरा भी कॉलेज स्टार्ट होने वाला है। तो आप 6 मंथ कॉलेज में पढ़ाई करेंगे, आपकी प्रैक्टिकल भी वहीं पर होगी, थ्योरी भी वहीं पर होगी, एग्ज़ाम भी कॉलेज में होगा, और 6 महीने के बाद आपकी OJT लगेगी, ऑन जॉब ट्रेनिंग इंटर्नशिप फ्रॉम कॉलेज। कॉलेज से आपकी OJT लगेगी, किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में लगेगी आपकी जॉब, वो जॉब आपकी पेड होगी, यानी कि कंपनी जिसमें आप काम करेंगे, सर्विंग करेंगे, वेटरिंग करेंगे, केश जो भी करें आप, वो आपको पैसे पे करेंगे मोस्टली मंथली। मेरी जो सैलरी लगी थी OJT में, मेरी लगी थी 900, और मेरे दोस्त लगी थी $950, 950, मेरी 900। तो ओवर टाइम करके आप जाने यार, ओवर टाइम अगर आप करते हैं, दिल से काम करते हैं, मन से काम करते हैं, आपकी सैलरी 1400 1500 कहीं नहीं जाएगी अगर आप मन से काम करते हैं। और बेमन से काम करेंगे, काम पे नहीं जाएंगे, छुट्टी मारेंगे, तो आपकी सैलरी 600 भी आएगी, 500 भी आएगी, 700 भी आएगी। अगर आप छुट्टी भी, जैसे आपको एक हफ्ते में छुट्टी मिलेगी, अगर आप छुट्टी भी करने के बाद भी आप काम करते हैं मन से, छुट्टी तो आपकी है ले लो, नहीं लेना तो कोई बात नहीं, और पैसे मिलेंगे। और दूसरी बात यार, जहाँ आप काम करेंगे आपको खाना फ्री मिलता है, किसी भी रेस्टोरेंट में काम करेंगे आपको खाना फ्री मिलेगा, बस रहना आपका होगा। वो स्टडी के समय क्या है कि दोनों चीज़ें आपकी होंगी, रहना भी होगा, खाना भी आपका होगा। OJT के समय आपका सिर्फ रहना होगा, खाना कंपनी का होगा। और कोई कोई कंपनी टिकट भी देती है, जैसे आपको घर जाना है तो आपको टिकट भी देगी कंपनी, ऐसा नहीं है। जैसे मेरे को टिकट दिया था कंपनी ने वापस जाने के लिए, तो मैं घर गया था, कैब घूम के आया था, थोड़े दिन लगा के आया था, फिर मैं वापस आया था। तो सिंगापुर की ये स्टडी थी यार, FMB लाइन में यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं यार, आप जब यहाँ आओगे तो लोगों से मिलोगे। और दूसरी बात बता दूँ यार, जो मुझे बतानी नहीं चाहिए, लोग डर जाते हैं, जितने भी यहाँ पे लड़के आने चाहते हैं इंडिया से, वो डर जाते हैं यार। देखो सिंगापुर एक बहुत छोटी कंट्री है, बड़ी कंट्री नहीं, यहाँ की पॉपुलेशन इस साल इसकी पॉपुलेशन 60 लाख हुई है। सिंगापुर की पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ मैं, जो टूरिस्ट हैं यहाँ पे आते हैं, काम करने आते हैं, उनकी बात करोगे तो भी 1 करोड़ जनसंख्या नहीं है यहाँ की, 60 लाख जनसंख्या है सिंगापुरियन। तो यहाँ के गवर्नमेंट ने क्या है कि स्टूडेंट को काम करने के लिए मना कर रखा है, कि कोई भी बाहरी स्टूडेंट आता है तो उसको काम नहीं मिलेगा, वो काम नहीं कर सकता, इलीगल है। काम करते पाओगे तो वार्निंग मिलती है, अभी मैंने मतलब रूल्स चेंज होते रहते ना, वार्निंग मिलेगी आपको पहली, सेकेंड वार्निंग नहीं मिलती आपको डिबोर्ट कर दिया जाएगा। तो यार फिर भी काम करते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। आप जब इंडिया से सिंगापुर पढ़ने के लिए आओगे, कॉलेज जाओगे, लोगों से मिलोगे, सब काम करते हैं, जिससे भी फ़ोन करोगे हाँ भाई मिलना है, कोई नहीं मिलता भाई मैं काम पे जा रहा हूँ, मेरे पास काम है ये, हाँ भाई आज चलें क्या, नहीं नहीं भाई काम है मेरे पास, तो सब काम करते हैं, पैसे कमाते हैं। ठीक है भाई, आप भी आओ यहाँ पे, पढ़ाई करो, शेफ रहो यहाँ पे, लोगों से मतलब मत रखो, मतलब उन्हीं से रखो जिनसे काम हो। तो यार ये मेरी वीडियो थी, और मैंने आपको बताया स्टूडेंट वीज़ा के बारे में। तो बहुत ईजी आसान है, अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट के ज़रिए बताइए, मैं आपको जानकारी दूंगा। और मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो पासवे प्रोग्राम के लिए आएगी, कि इस कंट्री से कैसे मूव करें दूसरी कंट्री, स्टडी मतलब स्टूडेंट वीज़ा पे सिंगापुर टू अदर कंट्री कैसे मूव करें, तो वो मेरी सेकंड वीडियो होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिए। कोई भी जानकारी चाहिए आपको स्टूडेंट वीज़ा के बारे में, कि यार भाई कैसे लेना है स्टूडेंट वीज़ा, तो मैं आपको गाइड करूँगा। ठीक है भाई, कोई नहीं है, ख्याल रखें।